ये है आशा, सयानी आशा। पति रोज दिहाड़ी पे जाता, चंद रुपए कमा के लाता। थे दोनों के बच्चे चार, छोटे से घर में चलता संसार। आशा कभी कभी सोचती, एक कमाए और खाए छे, ऐसा कैसा संसार है ये। एक दिन उसने पढ़ा एक अखबार, सरकार और यूएन के उसमें थे विचार। दोनों का एक ही मकसद था कि पुरुष हो या औरत, दोनों के लिए अवसर एक समान होने जरूरी है। देश करेगा दुगुनी तरक्की, औरत भी अगर व्यवसाय करेगी। आशा ने भी गणित लगाया, एक से भले दो में जवाब पाया। आशा ने भी देखा सपना, व्यवसाय करने का किया इरादा पक्का। खुद का माल, खुद के नुस्खे, खुद का व्यापार, खुद के पैसे, खुद का स्वतंत्र विचार। एक दिन पति को जाके बोली, अब से मैं व्यवसाय करूंगी। पर पति ने सुनी नहीं उसकी बात, बोला वही रटी रटाई पुरानी बात। औरतें थोड़ी ही बाहर जाती हैं, काम धंधा तो हम आदमी ही करते हैं, बाहर की जिंदगी कितनी मुश्किल है, औरतें घर में ही महफूज होती हैं। आशा सोचे, पानी भरने तो जाती हूँ, बाजार से सामान भी तो लाती हूँ, औजार भी चला लेती हूँ, आग से भी खेल लेती हूँ, हिसाब किताब में इनसे बेहतर पैसे भी तो बचा लेती हूँ, दिन रात काम करती हूँ, घर भी तो पूरा मैनेज कर लेती हूँ, मैंने भी तो दिमाग है पाया, फिर क्यों मुझे है घर पे बिठाया। औरत क्यों न करे पुरुषों का काम, और पुरुष भी क्यों न करे औरत का काम। काम तो होता है बस काम, इसकी लिंक से क्यों हो पहचान, हर कोई क्यों उत्साह को तोड़े। यह है हर आशा का सवाल, मुश्किल क्या है, हमारी औरतों के प्रति रूढ़िगत सोच, हमारी लादी हुई सामाजिक सोच, उसके बाहर जाने पे लगाई हुई रोकथाम। बचपन से ही हम उनको बताते रहते हैं कि वो अलग है और कमजोर है। हम बताते हैं कि उनका काम घर में ही सीमित है और व्यवसाय पुरुषों का ही काम है। भले वो पुरुषों के मुकाबले 10 गुना अधिक समय घर के काम करती हो, उसके काम का मूल्य नहीं गिना जाता। हम खुद उसके व्यवसाय करने के अवसर छीन लेते हैं और उसे खुद अनुभव नहीं करने देते। हम ही उसको जमीनी हक से भी वंचित रखते हैं, तो उसके नाम पर कोई संपत्ति भी नहीं होती, इसलिए बैंक भी उनको लोन देने में हिचकिचाती है। जब तक ये सब बातें बदलती नहीं, तब तक परिस्थिति बदलेगी नहीं। यह बातें हमें ही बदलनी है, आशा का जवाब हमें ही देना है। सीखने के लिए चाहिए गुण और कौशल, तो क्यों ये जाति, उम्र और लिंग का भेद। कर ही सकती हूँ व्यवसाय में अपना, कर ही सकती हूँ मैं पूरा अपना सपना।